जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार जो तत्काल रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके एक भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व तो करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया। इसलिए महोदय इतना कुशल नेतृत्व जो इस राज के प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्य में काम करने के लिए गया था, इस तरह से लॉकडाउन हुआ पूरा भारत वर्ष में, जो जहां पर रह गया वहीं पर रह गया महोदय, कोई आने का कोई मौका नहीं मिला। उन मजदूरों का बहुत सा संकट स्थिति पैदा हुई, संपूर्ण लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, दो अढ़ाई तीन महीना तक आदमी बड़ा सबसे बड़ा दिक्कत उस समय। लेकिन यहाँ के युवा सम्राट हेमंत बाबू ने किसी प्रवासी मजदूर को किसी तरह का तकलीफ नहीं होने दिया। बस से ट्रेन से लाके जो चप्पल और लुंगी पहनते थे मजदूर, हवाई जहाज से लाने का भी काम किया। दो साल तक कोरोना से प्रभावित हुआ, हेमंत बाबू का नेतृत्व में चार साल हुआ, चार साल के अंतर में जो आज एक झारखंड प्रदेश को देश के कोने कोने के आदमी सुनते हैं देखते हैं कि ये झारखंड एक खनिज संपदा और धनी प्रदेश और सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। इतना धनी प्रदेश और यहाँ का जहाँ खनन हम सब कोई पैदा नहीं हुआ था, 150 साल पहले से यहाँ खनन होते हैं, मेजर खनन, आयरन और कोयला। बहुत सा यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला, लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में एक आयरन और भी एक इतना बड़ा आर्यन का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी उसमें उद्वास्तु हुआ, विस्थापित हुआ, जब माइनिंग हुआ उस एरिया का ड्राई हो गया, और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र यहाँ के आदिवासी मूलवासी को वहां का सामाजिक आर्थिक शिक्षा के शोषण होते गया। और उसी को
जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने उसी को बुनियाद दी। वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे? यहाँ का आदिवासी मूल लोग क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं आए? गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है, क्यों इस तरह यहाँ का आदिवासी मूलवासी हुआ है? उसी को समझते हुए हेमंत बाबू ने सोचा, हमने शुभकामना देंगे कि हमारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण कमलदास हेमंत सोरेन का चंपा सोरेन का दूसरा पाठ है,